इस सेशन का पूरा मुद्दा है कंसिस्टेंसी। ये सेशन अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो एक चीज जो आपको मेंटेन रखना है वो है कंसिस्टेंसी। वन थिंग दैट यू नीड टू मेंटेन इज कंसिस्टेंसी। जो मैं मानता हूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग के साथ, दैट वी आर नॉट एबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है आपको ये समझना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है ये नहीं कि भैया दो दिन पढ़े और चार दिन नहीं पढ़े, ये कंसिस्टेंसी नहीं होता। लेकिन अगर हम पांच दिन पढ़ लो और एक दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो जो एक दिन तुमने नुकसान किया वो अगले दिन तुम मैनेज कर सकते हो। बात समझ आए? तो ये कंसिस्टेंसी होता है, ये इनकंसिस्टेंसी नहीं होता है। इज इट क्लियर? चलो मेरे दोस्त, ओके ओके राइट। तो मेरे दोस्त सबसे पहला वर्ड यहां पे लाइन लिखा हुआ है आपको मोटिवेट करने के लिए, कंसिस्टेंसी इज बेटर देन परफेक्शन। क्या कोई भी इंसान परफेक्ट बन सकता है क्या? कैन एनी वन बिकम अ परफेक्ट पर्सन? नो वन। मैं भी नहीं हूं, कोई नहीं है भाई इस दुनिया में, कोई परफेक्ट पर्सन नहीं है। सब परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये परफेक्शन बनने की कोशिश किस पे डिपेंड करती है? आपके कंसिस्टेंसी पे। इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ यू कैन गेट द परफेक्शन। लेकिन आप अगर ये सोचोगे हम परफेक्ट बने हर चीज में और कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। Is it clear? So with this particular note, I am going to begin the session. With this particular note, I am going to begin the session. Is it clear to everyone? So mere dost, aap log se bas request hai, do share as much as possible aur video ko like zarur kar dena. Chalo mere dost. To mere dost, aap log ko aaj, matlab aaj ka tarikh Sunday hai. Main aapko, I am giving you 2 to 3 days. Main aapko 2 se 3 din de raha hoon mere dost. दो से तीन दिन क्या करने के लिए दे रहा हूं? दो से तीन दिन क्या करने के लिए दे रहा हूं? सबसे पहला पॉइंट दो से तीन दिन में आप लोगों को क्या करने दे रहा हूं? सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको करने, चूजिंग द राइट रिसोर्स। मेरे दोस्त, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, यस और नो? वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, और हमको राइट रिसोर्स सेलेक्ट करना बहुत जरूरी। रिसोर्स मतलब आपके सामने, आपके आसपास बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, राइट? आपके आसपास बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, राइट? रिसोर्स कहने का मतलब है एजुकेटर। रिसोर्स कहने का मतलब है एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट्स। रिसोर्स कहने का मतलब है एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट्स। अब मैं क्या देखता हूं जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं, जैसे मान लो आपने मेरे से सॉम पढ़ लिया है, अब आप क्या करोगे भाई? कोई दूसरा एजुकेटर फिर से सॉम शुरू कर रहा है, ठीक है, आप चाहोगे चलो इसका भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा बोल दिया, चलो इसका भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं फिर से सॉम किसी और का लाऊंगा, फिर आपको लगेगा एक पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल गया, हम फिर से सॉम कर लेते हैं। सो इसके कारण क्या होता है, आप अपने समय को वेस्ट करते हो। तो देखो, कोई भी एजुकेटर सेलेक्ट करने का बेस्ट वे क्या होता है? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है, आप उनसे कंपैटिबल हो, अगर आप इतना कर पा रहे हो आपको कोई और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझे कि नहीं? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज टू सेलेक्ट द करेक्ट एजुकेटर। दूसरा, सेलेक्ट द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। परफेक्ट प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है, देखो मेरे दोस्त, अब वो टाइम आ गया है कि अब तुम अपने कैरियर से नहीं खेल सकते। अगर तुमको YouTube पे रहना है, YouTube पे रहो। अगर तुमको प्लस पे आना है, प्लस पे आओ। ये नहीं कि अभी भी बीच मजदार में, सर 2 महीना और रुक जाते हैं, सर 1 महीना और रुक जाते हैं, ये तरीका नहीं है पढ़ने का। इससे क्या होगा, आपने जो अभी यहां पे पढ़ा है ये भी समय बर्बाद होगा, और जो आने वाला टाइम है वो भी आप इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको सही प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना भी जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट, करेक्ट मैटेरियल कहने का मतलब है, आप जो भी मैटेरियल फॉलो कर रहे हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा पार्ट, आप जो भी एक्स्ट्रा मैटेरियल फॉलो कर रहे हो, वो चीज आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये आप बाद में नहीं कर सकते, राइट? ये आप बाद में नहीं कर सकते, बात समझे कि नहीं? ये आप बाद में नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहला काम है मेरे दोस्त, करेक्ट मैटेरियल सेलेक्ट कर लेना। सही मैटेरियल सही समय पे सेलेक्ट कर लोगे, 10 मैटेरियल नहीं बनाना पड़ेगा और आपका समय बचेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट समझ में आएगा? यस।
तो अगर तुम ये चीज फॉलो कर रहे हो, एजुकेटर परफेक्ट प्लेटफॉर्म एंड माय डियर फ्रेंड्स करेक्ट मटेरियल, तो यू विल नॉट बी डेविएटेड, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो ये आपको 2 से 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, ये पहला काम करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये लिखा है डोंट फॉलो मल्टीपल रिसोर्स। अगर आप ये कर रहे हो तो मल्टीपल रिसोर्स आपको नहीं फॉलो करना है, ताकि आप इफेक्टिवली टाइम यूटिलाइज कर पाओ। थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्टिव आवर्स। अब ये बहुत बड़ा बच्चों में कंप्लेन आता है, सर हम अपने प्रोडक्टिव आवर्स नहीं ढूंढ पाते। देखो मेरे दोस्त, ऐसा होता है कि कोई बच्चा रात में ज्यादा अच्छा पढ़ पाता है, कोई बच्चा दिन में अच्छा कर पाता है, कोई उल्लू होता है रात में पढ़ने वाला, कोई मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे पढ़ के पढ़ने बैठने वाला होता है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्टिव आवर्स। अगर तुम पर डे 6 घंटे का नींद लेते हो, डैट इज मोर देन इनफ, that is more than enough for any student. 6 hours of sleep is more than enough for any students, right? तो मेरे दोस्त आपको सबसे पहले यही करना है, you need to understand your productive hours. देखो class का time तो as it is चलेगा, class का time as it is चलेगा, और कितने classes लगाना है वो भी आपको clear होना चाहिए, वो मैं आगे बात करने वाला हूँ। You need to understand कि how much classes you need to enroll. आप लोग क्या करते हो, पूरे दिन में जितनी क्लासेस चल रही है सब में बैठ जाओगे, यार सब में बैठ जाओगे तो खुद के लिए कब पढ़ोगे। तो आपको ये समझना है कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स कब है, आप खुद से कब बैठ सकते हो, कितना देर आप पढ़ सकते हो, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। इज इट क्लियर, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो माई डियर फ्रेंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्टिव आवर्स। तो 3 दिन में आप लोग को करना क्या है, ये जो 2 से 3 दिन आपको दिया, क्या करना है, सबसे पहला Choosing the correct educator, choosing the correct resource, multiple resources को follow नहीं करना है, जो भी कर रहा है बंद कर दो करना, ठीक है। उसके बाद select your productive hours, आप किस समय अपना best efficient way में पढ़ सकते हो वो चीज select करो। अब ये नहीं है कि पूरे दिन 13-14 घंटा पढ़ लें लेकिन मेरा productivity कुछ नहीं है, तो वो चीज नहीं करना है। जिस समय आपको लगता है मेरा productivity down होता है उस समय avoid करो, उस समय कुछ और करो, उस समय ऐसा activity करो जिसमें आपको मन लगे कोई और चीज में, ठीक है, वो तुम्हारा फ्री टाइम बन जाए, और बाकी टाइम में बेस्ट यूटिलाइज करो। सो दिस यू कैन डू, दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स यू कैन डू इन 2 to 3 आवर्स, दैट इज 2 to 3 डेज आपको ये करना है, ठीक है। अब मेरे दोस्त कुछ पॉइंट्स हैं जो बताने जा रहा हूं। सब्जेक्ट्स वेटेज, ये बहुत बड़ा आपका डिमांड है, सर डिफरेंट सब्जेक्ट्स का क्या क्या वेटेज है, राइट, व्हाट आर द वेटेज ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। तो देखो अगर मैं बात करता हूं, कुछ ऑर्डर में अरेंज किया है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, पहले मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं फिर नॉन टेक्निकल बात करूंगा। जियो टेक्निकल 12 to 14 मार्क्स, और सबसे बड़ा बात क्या है, जियो टेक्निकल अभी प्लस में भी शुरू हो गया है, यूट्यूब पे भी शुरू हो गया है, और जो बच्चा भी तैयारी शुरू कर रहा है इससे बेस्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, जो बच्चा भी तैयारी शुरू कर रहा है इससे बेस्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों, बहुत हाईली वेटेड सब्जेक्ट ये आपका शुरू है, डेट इज 12 to 14 मार्क्स। और ऑब्वियसली अगर मैं कवर कर रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई बिना कोई हिजक के आप तैयारी करो। इस बार यूट्यूब में भी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आपका डीपीपी टेंशन लो ही मत, एकदम फुल फॉर्म में अच्छे से तरीके से करा रहूंगा, ठीक है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 12 to 14 मार्क्स आपका ये कवर हो रहा होगा, फॉलोड बाई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 to 12 मार्क्स। मेरे दोस्त कुछ बहुत बड़ा हिंट है, कुछ बहुत बड़ा हिंट है, फॉलोड बाई ट्रांसपोर्टेशन 8 to 10 मार्क्स, फॉलोड बाई ट्रांसपोर्टेशन 8 to 10 मार्क्स। अगर हम सिर्फ इतना ही का बात करें, मेरे दोस्त, तो ये तीन सब्जेक्ट मिला के, आपका 30 मार्क्स मिनिमम कवर कर रहा है, बोलो हाँ या ना, 30 मार्क्स इन टेक्निकल, दिस 3 सब्जेक्ट्स आर टेकिंग योर 30 मार्क्स इन मिनिमम। SOM प्लस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मिला दूं तो 8 से 10 नंबर ये कवर करता है, SOM प्लस स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपका 8 से 10 नंबर कवर करता है। अगर मैं बात करूं इस बार के पेपर का, तो IIT खड़गपुर पेपर बना रहा है, और IIT खड़गपुर का इतिहास रहा है कि वो स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, जैसे SOM, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील, RCC। तो जो भी बच्चा इस बार तैयारी कर रहा है ये 4 सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जा सकता, भूल के भी भले ही स्टील का वेटेज कम होगा, लेकिन मेरे दोस्त इस बार IIT खड़गपुर के कारण आप नहीं छोड़ के जा सकते, ये तो मैं बहुत क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि वेटेज काफी हाई होता है। हम लोग को अपने टाइम में पढ़ाने वाला कोई नहीं था, आपको याद होगा 2014 मैंने बोला था कि आई लेफ्ट द स्ट्रक्चर एनालिसिस, और स्ट्रक्चर एनालिसिस से 8 नंबर का पेपर आया था, तो आप समझ सकते हो कि यू कांट लीव द स्ट्रक्चर एनालिसिस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। जियोटेक आपका यूट्यूब है 14th of June से शुरू हो रहा है, 14th of June, क्लियर है मेरे दोस्त। तो दीज आर सम ऑफ द 4 मेजर सब्जेक्ट्स। अब अगला बात करते हैं, देखो
ये जो OCF एंड सर्वे है, दीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। 7 से 8 नंबर अगर दोनों को मैं मिला दूं तो आरसीसी मेरे दोस्त 5 to 6 मार्क्स, आरसीसी 5 to 6 मार्क्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो कल आपका शुरू हो रहा है इन द मॉर्निंग 8 AM 4 to 5 मार्क्स, आरसीसी आपका कल शुरू हो रहा है आपका 7 PM बाय द क्षितिज सर 5 to 6 मार्क्स, फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। दैट देखो पहले तो वेटेज नहीं था लेकिन इस ईयर 4 से 5 नंबर का वेटेज आया है तो हमको इसको भी ढंग से कवर करना पड़ेगा, है ना। सो दीज आर द फर्स्ट 8 सब्जेक्ट्स। अब मैं अगला अगर हम बात करते हैं, इफ टॉक अबाउट द नेक्स्ट दैट इज हाइड्रोलॉजी, तो हाइड्रोलॉजी 4 to 6 मार्क्स, इरीगेशन गेट पॉइंट ऑफ व्यू 2 to 3 मार्क्स, स्टील की बात करें तो 2 से 4 मार्क्स, मैकेनिक्स 1 to 2 मार्क्स, ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस 2 to 3 मार्क्स, ठीक है मेरे दोस्त। ये बात तो क्लियर हो गया, ये बात तो क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे आपका कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, यहां पे आपका कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है विच इंक्लूड 12 टू 13 मार्क्स ऑफ मैथ्स, 15 मार्क्स ऑफ एप्टीट्यूड। 12 टू 13 मार्क्स आपका मैथ्स का है और दूसरा आपका 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। मेरे दोस्त आपके मैं सारे डाउट लूंगा लेकिन मेरे को फर्स्ट कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद आपके एक एक डाउट कवर कर लूंगा, ठीक है। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट एवरीथिंग देन आई विल टेक ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो समझोगे यहां पे मेरे दोस्त, अगर आप यहां बात करो, अगर कोई बच्चा PSU के लिए जाना चाह रहा है तो आप तो कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। अगर आप M.Tech के लिए जा रहे हो जहां पे आपको 65 प्लस मिनिमम चाहिए, तो मेरे दोस्त आप 2-3 सब्जेक्ट मैक्सिमम छोड़ के जा सकते हो, लेकिन वो सब्जेक्ट ध्यान रखना वो स्ट्रक्चर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बार बार बोला खड़गपुर पेपर सेट कर रहा है, आप सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जा सकते, स्पेशली वो सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर रिलेटेड है। बात समझ में आया? तो मेरे दोस्त यू कैन इमेजिन अगर मैं ये 3 सब्जेक्ट लूं, ये आपका 30 मार्क्स, ये आपका 27 मार्क्स, मतलब 57 मार्क्स तो यही ले गया। सॉम स्ट्रक्चर अगर हम मिला देते हैं तो ये आपका लगभग कितना ले गया, 65 मार्क्स, तो ये आपका 65 नंबर तो यही ले जाता है, ठीक है। लेकिन बात अब यही होता है 65 नंबर का हम पढ़े इसका मतलब ये थोड़ी 65 में 65 आ जाएगा, जितना हमने पढ़ा सारा क्वेश्चन से अटेम्प्ट हो जाएगा, तो हमको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है और उसके कारण हमको एफर्ट लगाना पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, is this clear to everyone? I hope this point is clear to all. Right? ये point सबको clear होगा. चलिए. Right. तो geotechnical weightage very high, 12 to 14 marks. Environmental engineering 10 to 12 marks. Transportation 8 to 10 marks. SOAM SA 8 to 10 marks. OCF plus survey 7 to 8 marks. RCC 5 to 6. Fluid 4 to 5. Construction management 4 to 5. हाइड्रोलॉजी बात करें 4 से 6 नंबर, इरिगेशन आपका सेम 2 to 3 मार्क्स, स्टील आपका 2 से 4, मैकेनिक्स 1 to 2 मार्क्स, प्लास्टिक थ्योरी 2 to 3 मार्क्स, मैथ्स आपका 12 से 13 मार्क्स और एप्टीट्यूड, ये पार्ट तो भाई कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो अब मेरे दोस्त कुछ स्ट्रैटेजी मैंने तुम लोग को बनाया है, ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजी मैं तुम लोग के लिए बनाया हूं जिससे आपका मैथ्स एप्टीट्यूड और टेक्निकल दोनों साथ में कवर हो, ठीक है। अब हम मैथ्स एप्टीट्यूड और टेक्निकल लास्ट के लिए नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। अब वो टाइम आ गया है कि हमको मैथ्स एप्टीट्यूड उठाना पड़ेगा।